आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस फेवरेट वाली इयरिंग्स दिखा रही हूँ जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने मतलब कैरी बैग में। ठीक है, आपका कान के इयरिंग्स नीचे नहीं लटकेगा, बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करना। बहुत लेडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माई मोस्ट फेवरेट इयरिंग्स, माई ऑल टाइम फेवरेट इयरिंग्स। और अगर आपको भी डिफरेंट डिफरेंट इयरिंग्स पहनने का शौक है तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। आज जो इयरिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आई एम श्योर कि आपको उनमें से दो से तीन इयरिंग्स तो जरूर पसंद आएंगे, अगर सारे नहीं पसंद आए तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक्स देखने में इंटरेस्टेड हो और घर बैठे पार्लर जैसा मेकअप सीखना चाहते हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और मैं फ्रीक्वेंटली बेसिस पे फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियोज डाल रही हूँ, जिसमें मेकअप भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज अगर वीडियोज आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले मैं सबसे छोटे इयरिंग से शुरू करती हूँ, उसके बाद हम बड़े पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाले इयरिंग्स, और ये इतने प्रिटी लगते हैं ना, ये वाले इतने प्रिटी इयरिंग्स हैं ये, कि आपने चाहे इंडियन पहना हो चाहे आपने वेस्टर्न पहना हो, तो ये दोनों ही के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप छोटे छोटे ना स्टोन्स लगे हुए हैं और नीचे ये मेटल बॉल दी गई है, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसमें ना, ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे, और इसमें आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने इसमें दो कलर्स लिए हुए हैं, एक ये ग्रे कलर है और मैंने इसका ही एक ये वाला। ये दोनों कलर्स ऐसे हैं कि ज़्यादातर आउटफिट में मैच हो जाते हैं, तो मैं अभी आपको वेयर करके दिखाती हूँ। मैं हमेशा अपने बैग में, अपने पास एक छोटे से बॉक्स में रखती हूँ, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो मैं उसको वेयर कर लूँ अपने ड्रेस के हिसाब से। तो ये वाली इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद है, और दोनों ही कलर्स मुझे बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं, ग्रे भी और गोल्डन भी। और इसका प्राइस भी बताऊँ, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 100 रुपीज के मिल गए थे, और मतलब एक पेयर इसका 100 रुपीज का था, तो मैंने ये दो पेयर ले लिए थे 200 रुपीज के। तो और ये है मेरे सेकंड फेवरेट इयरिंग्स। देखो इयरिंग्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस फेवरेट वाली इयरिंग्स दिखा रही हूँ जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने मतलब कैरी बैग में। ठीक है, तो वो वाली इयरिंग्स है ये। तो ये वाले हैं, मतलब ये झुमकियों में ना मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। मतलब ये ना मुझे इसलिए बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला जो कलर है ना, ये जो स्टोन लगा हुआ है, ये कौन सा कलर है, फिरोजा टाइप का कलर है ये, और नीचे ये ऑक्सीडाइज है। तो देखो बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब ऐसी झुमकी है कि अगर आपने जीन्स पहनी है और कुर्ती पहनी है ना, जीन्स के साथ ही बहुत सुंदर लगती है। मैं तो कभी कभी जीन्स और टी शर्ट पहनी होती है, मैं तब भी डाल लेती हूँ। मैंने कोई कुर्ती पहनी होती है, मैं तब भी डाल लेती हूँ। कोई सूट डाला होता है, मैं तब भी डाल लेती हूँ। ये कलर ऐसा है कि सब पर जाएगा, और इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, और ये मैंने मीशो से लिए थे, आप मीशो से ले सकते हो। और इसका जो प्राइस है ना, वो मुझे 300 के समथिंग पड़ा था, तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और हैवीनेस की बात करूँ ना, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हैवी है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी वीडियो के एंड में, कि आप हैवी इयरिंग्स को कैसे पेयर अप कर सकते हो, जिससे क्या हो, आपके कानों पे वजन ना पड़े। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, मुझे प्यार हो गया था इनसे, प्यार, आई एम लविंग इट, है ना, कितने सुंदर। देखो अभी भी मेरे कानों में कितने सुंदर लग रहे हैं, और अभी मैंने इसके मैचिंग का कुछ भी नहीं पहना। ये ऐसा कलर है ना कि आप मैचिंग का हो चाहे ना हो आपके कपड़े, लेकिन ये आप वैसे भी पहन सकते हो, तो भी सुंदर लगते हैं। बात आती है हमारे थर्ड इयरिंग्स की, और थर्ड इयरिंग्स भी ये है ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग्स, और ये भी एक झुमकी टाइप है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे कि सारे मेरे इयरिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि मैं आपको सुंदर वाले इयरिंग्स ही दिखा रही हूँ, और मैं अभी आपको इसको कान में पहन के दिखाती हूँ। और ये भी ना मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पड़े। एक्चुअली क्या है कि अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन लेते हैं ना, तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर आप इसको लोकल स्टोर से लोगे ना, या लोकल मार्केट से लोगे, पटरी बाजार से लोगे, तो आपको बहुत चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, वही चीज़ें जो ऑनलाइन महंगी मिलती हैं। तो ये भी ना मुझे कितने के पड़े थे, शायद 80 रुपीज़ के पड़े थे मुझे ये। और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी मतलब हैवी नहीं है, मतलब सो सो है, ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कह सकते इसको, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आराम से आपको इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आपके कान पतले हैं ना, तो भी आप इस टाइप के इयरिंग्स पहन सकते हो। ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग्स आप लो ना, अगर आपके कान पतले हैं तो आप ना थोड़े लाइट वेट इयरिंग्स लो, बहुत ज़्यादा हैवी मत लो। तो मैं हमेशा, मेरे कान पतले तो मैं इसलिए लाइट वेट इयरिंग्स ही देखती हूँ। तो आप देखो ये भी इयरिंग्स ऐसे हैं कि किसी भी कुर्ती और जीन्स कुर्ती के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी मेरे फेवरेट में से हैं। सबसे प्यारी इयरिंग्स तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये देखो
ये मैं आपको एक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दूसरा मेरा टूट गया है, इसकी ये जो पीछे डंडी है ना वो निकल गई है, तो अभी मुझे इसको फिक्स करवाना है, तो इसलिए मैं आपको सिंगल ही दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना ये है रियल पर्ल और ये मेरा चांदी में बना हुआ है, ये मैंने बनवाए थे एक्चुअली, ये आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे वैसे तो ज्वेलर्स के पास, ये मैंने बनवाए थे तो क्योंकि मुझे अपने साइज का थोड़ा बड़ा पर्ल लेना था, जो मार्केट में मिल रहे थे ना वो छोटे पर्ल थे, तो मैंने इस तरीके का थोड़ा सा बड़ा पर्ल लिया था। और ये ना ये ऐसे इयररिंग्स हैं, ऐसे वर्सटाइल इयररिंग्स हैं कि आपको ना किसी भी आउटफिट के साथ, चाहे वेस्टर्न पहनो चाहे इंडियन पहनो, सबके साथ ना अच्छा लगे। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना तो हमेशा ये मेरे कानों में पड़े रहते हैं। मेरा व्लॉग चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि घर में भी मैं हमेशा यही पहन के रखती हूँ, और इसके साथ एक पेंडेंट चेन भी है और जिसमें सेम यही वाला है पेंडेंट, तो वो भी सिल्वर में है, तो ये एक सेट मैंने बनवाया था तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो डेली बेसिस पे मैं यही पहनती हूँ, मुझे गोल्ड पहनना इतना नहीं पसंद है। बारी आती है हमारे वड्डे वड्डे झुमकों की, और वो हैं ये वाले, आप देखो कितने ज़्यादा सुंदर है, मतलब इनमें से आपको लगता है कि ये वाले झुमके जो है कोई रिजेक्ट कर सकता है, कर सकता है कोई रिजेक्ट, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि है। और पता है जितने हैवी ये दिख रहे हैं ना उतने हैवी ये है नहीं, बहुत लाइट वेटेड है, और मतलब पतले कान वाले भी इजीली इसको पहन सकते हो, और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, ये मैंने मीशो से परचेज किए थे। अगर आप मैं कोई आपको डिस्काउंट कोड वगैरह नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का कलेक्शन है जो मैंने खुद के पैसे से बाय किया था, तो या सो कैसे लग रहे हैं ये इयररिंग्स आप बताना। इसको आप साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी के भी साथ पहनोगे ना ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने सोने लग रहे हैं, आप खुद देखो, मतलब बहुत ही प्यारे झुमके हैं ये। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है ना कि मतलब प्राइस भी अफोर्डेबल और चीज़ भी बहुत सुंदर, अगर यही झुमके अगर आप किसी शोरूम वगैरह से लोगे ना तो बहुत सुंदर, बहुत महंगे मिलेंगे शायद, तो मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है और उस हिसाब से है बहुत अच्छे। और इसका प्राइस मैं बताऊँ मैक्सिमम शायद 300 के अंडर अंडर ही है ये, लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, जब मैंने लिए थे तो ये इतने के ही थे, है ना कितने प्यारे। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स की, और वो हैं ये वाले इयररिंग्स, वाह देखो कितने सुंदर है ना ये भी, आप ये देखो, ये इसे कहते हैं वैसे चांद वाली डिजाइन होता है ये, और ये बहुत प्यारे हैं, और ये ना सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये, और इसके ना यहाँ पर एक पिकॉक बना हुआ है, और आप देखो इसमें कलर्स भी, ये एक्चुअली मैंने मल्टी कलर्स में मंगाए थे, आपको इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे एक पूरा ब्लैक भी मिल जाएगा, पूरा रेड भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, ब्लू भी मिल जाएगा, जो मीना लगा हुआ है ना ये, जैसे मीना है नहीं कुंदन है, ये कुंदन जैसे कुछ लगे हुए हैं, तो इसमें अलग अलग कलर के कुंदन भी आते हैं, मल्टी कलर्स जो मेरे पास है वो मल्टी कलर में, मैंने मल्टी कलर इसलिए लिया है क्योंकि मल्टी कलर्स ज़्यादातर आप ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, तो पहन के भी दिखा देती हूँ, ये देखो कितने सोने लग रहे हैं, है ना कितने प्यारे, मतलब एक तरह से ये कश्मीरी झुमका टाइप होता है ना, तो कश्मीरी टाइप का डिजाइन है चांद बाली वाला, तो बहुत सुंदर लगता है और लाइट वेट बहुत है ये, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे मुझे मतलब इस तरह की आइटम्स ना बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। चलो मैं आपको दोनों ही पहन के दिखा देती हूँ, है ना कितना प्यारा लुक आता है इससे, और ये वाले जो झुमके हैं ना ये कुर्तियों के साथ बहुत सुंदर लगते हैं, अभी जैसे मैंने जीन्स पहनी है और मैंने ये कश्मीरी कुर्ती पहनी है, तो इसके साथ काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये देखो पास से बहुत लाइट वेट है और काफी कंफर्टेबल है पहनने में, बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगी, बहुत लाइट वेट है ये। बारी आती है मेरे लास्ट इयररिंग्स दिखाने की, और ये जो है ना इनको देखने से पहले आपने बहुत जगह देखे होंगे, आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, आपने हर जगह देखे होंगे, टटडैन देखो कितने सुंदर है ये ना, एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंस्टा रील्स पे देखे और ये वाले इयररिंग्स ना मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि सब ज़्यादातर बहुत सारी रील्स में आपने देखे होंगे ये वाली ना इयररिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहती थी, मैंने कहा यार मेरे पास भी होने चाहिए, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, और ना वेट की बात करूँ तो ना ये थोड़े तो वेट है, मतलब इसका इतना ज़्यादा नहीं कह सकते कि आपके कान ही नीचे झूल जाएंगे, तो इतना ज़्यादा वेट नहीं है इनमें, एक नॉर्मल वेट होता है ना इतना ही है, मतलब जैसे इसमें मैंने बताया था ना ऐसा ही वेट इसमें है, जबकि ये साइज में थोड़े बड़े हैं, इसमें कुंदन टाइप के ये भी कुछ लगे हुए हैं, तो वेट वाइज ठीक है, मतलब फंक्शन वगैरह में, पार्टीज वगैरह में आप पहन सकते हो, तो काफी सुंदर लगेंगे ये, देखो
और इसका प्राइस जो है ना वो भी आई थिंक वो भी 250 के अंडर अंडर है या 250 तक मैंने इसको लिया था। तो आप देख सकते हो ये मैंने लोकल स्टोर से लिए थे, एसएन मार्केट से। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। पहन के भी दिखा दूँ? जब इतने सारे पहन के दिखा दिए तो एक भी क्यों छोड़ूं मैं, देखो है ना कितने प्यारे। अगर आपको इन झुमकों को पहने हुए मेरा मेकअप वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पे जाके देखो। तो मैंने उसमें ये वाले झुमके पहने और इनके साथ मैंने मेकअप वेयर किया है और स्मोकी आइज़ के साथ, आप देखना बहुत अच्छा मेकअप है वो और आपको ज़रूर पसंद आएगा। है ना कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, तो ये था मेरा फेवरेट इयररिंग्स का कलेक्शन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब बारी आती है हमारे टिप शेयर करने की कि मैं आपको क्या टिप देने वाली थी। अगर आपके कान पतले हैं या आप हैवी इयररिंग्स पहन नहीं पाते हैं कि कान लटक जाएंगे, झूल जाएंगे, तो पहले ट्रिक ये है कि जो डॉक्टर टेप आती है ना, तो डॉक्टर टेप को आप पीछे लगा लो, करके लगा लो। जैसे कि एक बार लगाया आपने, पीछे चिपका दिया, और एक और बार उसके पीछे एक और टुकड़ा और चिपका दिया। कान के पीछे में आपको डॉक्टर टेप चिपकानी है, ठीक है, कान के पीछे। आप चाहो तो उसकी 3 लेयर भी चिपका सकते हो या 2 लेयर भी चिपका सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और उसके बाद आपने इयररिंग्स पहना, उससे क्या होगा, ये जो आपका होल है ना कान का, ये क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है और चिपक जाता है और एक सपोर्ट मिल जाती है कान को, ठीक है। और उसके बाद आप कोई सी अभी इयररिंग्स पहनोगे ना, तो वो क्या होगा, वो एकदम से ना कान में ऐसा फिक्स हो जाएगा। आपको वेट मतलब एक सपोर्ट की तरह काम करता है जो टेप है, वो सपोर्ट की तरह काम करता है। और अगर आपके कान का छेद बड़ा है तो आपका जैसे टॉप्स आप पहनते होंगे तो नीचे लटक जाता होगा, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि क्या होता है कि टेप से सपोर्ट मिल जाता है और कान में जो भी इयररिंग्स पहनोगे ना, वो एकदम से स्टिक हो जाएगा बीच में, आपका कान का इयररिंग्स नीचे नहीं लटकेगा, बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करना, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मैं भी खुद यही करती हूँ। क्योंकि मेरा कान भी पतला और छेद भी थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है इसका, क्योंकि हैवी इयररिंग्स पहन लेते हैं। लेकिन अब मैं यही करती हूँ कि पीछे खासकर ये वाले इस टाइप के जो इयररिंग्स होते हैं ना, ये वाले डार्ट वाले, ये वाले बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। तो यार ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपने पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।